हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ऑनलाइन पेमेंट ओरिफ्लेम के थ्रू कैसे कर सकते हैं और अपना ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं। सो गाइस, मुझे ओरिफ्लेम ऐप में जाना है। इसमें जाने के बाद आपको कुछ ऐसा सीन आता है। नीचे यहाँ पे 5 ऑप्शंस आते हैं, नीचे 5 ऑप्शंस आए हैं आपको। आपको यहाँ पे मिडल में, बीच में क्लिक करना है, जहाँ पे आपको एक बैग का ये शो किया है। तो बैग पे मैं क्लिक करूँगी। बैग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ भी आपके बैग में नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे ऊपर में शॉपिंग बैग के नीचे यहाँ पे आपको क्विक ऑर्डर करके लिखा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जो आपको चाहिए वो कोड यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे कि मुझे एक बॉडी स्प्रे चाहिए, तो मैं ये बॉडी स्प्रे का कोड डाल दिया मैंने और ये मुझे मतलब लेना है, लेकिन ये सोल्ड आउट हो चुका है और इसमें है नहीं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया है और इसके साथ साथ मैंने नीचे के यहाँ पे 130 कैटलॉग लिखा है। यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। इसको डिलीट करने के बाद जो यहाँ पे आपको नीचे अमाउंट शो कर रहा है, जैसे यहाँ पे 879, यहाँ पे कुछ 879 रुपीज़ का ये प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे 929 शो कर रहा है। तो ये यहाँ पे ऑलरेडी हमें पहले ही शिपिंग चार्ज ऐड हो जाता है। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट करना है, ऊपर से फिर थर्ड वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको ये जैसे कि ऑलरेडी मतलब मेरा यहाँ पे एड्रेस सेव है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके देख लूँगी मुझे कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, प्रीपेड करना है, COD करना है। तो इन दोनों में से मुझे प्रीपेड करना है, तो यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगी। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि आपको ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग या ई वॉलेट या क्रेडिट कार्ड या UPI। इन सारे ऑप्शन में से आप अगर नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं तो आपको कुछ, हाँ यहाँ पे कुछ आपको ऐसा शो करता है। नेट बैंकिंग में ई वॉलेट, क्रेडिट कार्ड एंड UPI है, तो आप इसमें से या तो आप जैसे कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट करेंगे आप, तो यहाँ से नीचे से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे का ऑप्शन आता है, तो जब आप पे करने जाएंगे, ऑर्डर सेव हो चुका है ऑलरेडी, सिर्फ हमें पेमेंट करना है। ओके, क्रेडिट कार्ड पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए कार्ड नंबर पूछा है। जो कार्ड का फ्रंट का जो नंबर होता है आपको यहाँ पे डाल देना है, जैसे कि मतलब कुछ भी है मैं डाल देती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट पूछा है, आपको एक्सपायरी डेट डाल देना है। यहाँ पे जो भी है आप डाल सकते हैं, ईयर कौन सा है वो डाल देंगे। और यहाँ पे CVV, जो आपके कार्ड के पीछे 3 अक्षर में लिखा रहता है, मतलब 3 नंबर्स रहते हैं, 3 या 4 नंबर्स, आप यहाँ पे डाल के और यहाँ से आप मेक पेमेंट करेंगे तो उनको वहाँ पे एक OTP जाता है। OTP जाने के बाद आपको यहाँ पे एक OTP का ये पूछता है, तो वहाँ पे आप OTP डाल देंगे तो हो जाएगा आराम से। OTP डालने के बाद आप डन कर देंगे तो ऑलरेडी पेमेंट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।